किसान भाइयों जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कुनार सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए खर्च किए जाएंगे 2176 करोड़ रुपए। राज्य में 16 किसान सेवा केंद्र तैयार। सूर्यमुखी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद SH44। अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग और गिरिडीह जिले में फैली कुनार सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 2176 करोड़ 25 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत कुनार नदी पर बांध और नहरों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से दोनों जिलों के 10,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। राज्य में प्रस्तावित 20 में से 16 किसान सेवा केंद्र बनकर तैयार हैं। इन्हें जल्द ही शुरू किया जाएगा। यहां किसानों को नई तकनीक, आधुनिक यंत्र, उन्नत बीज, समेकित फसल प्रबंध और उन्नत खेती के बारे में बताया जाएगा। साथ ही यहां उपकरण बैंक खोला जाएगा, आधुनिक खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा और विभिन्न फसलों की नर्सरी का भी इंतजाम किया जाएगा। सूकर पालक भाई ठंड के मौसम में मादा सूकर के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके खाना पीना पर विशेष सावधानी बरतें। इसके लिए हमेशा ताजा आहार दें और पीने के लिए कुआं या चापानल का ही पानी दें, टंकी का पानी बिल्कुल ना दें। अभी झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ग्रामीण इलाका शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा ठंडा है। जो ग्रामीण सूकर पाल रहे हैं वे मादा सूकर को सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए दो बातों पर विशेष ध्यान दें। पहली सावधानी ये है कि उन्हें बचा खुचा बासी खाना ना दें। दूसरी सावधानी है उन्हें पीने के लिए नल से सप्लाई होने वाला पानी या टंकी का पानी ना दें। ये कुआं या चापाकल के पानी की तुलना में ज़्यादा ठंडा होता है। हम सुकरियों को ताज़ा भोजन देने का व्यवस्था करें, साथ ही साथ पानी भी हम उसको ताज़ा दें। होता क्या है अमूमन कि जाड़ा के दिनों में लोग हाथ लगाना नहीं चाहते हैं कि जाड़ा लग रहा है और ऐसा कह के छोड़ देते हैं और वो जहां तहां का पानी उसको दे देते हैं। कोशिश करें कि अगर चापाकल है या फिर कुआँ है उसका जो एकदम ताज़ा पानी मिले वही दें, क्योंकि गाँव में अमूमन चापाकल और कुआँ ही ज़्यादा पाया जाता है। कभी भी टंकी का नल का पानी ना दें। तेलहनी फसल सूर्यमुखी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक बुआई कर सकते हैं। सूर्यमुखी के बेहतर उत्पादन के लिए DRSF 108 या SH44 लगाएं। सूर्यमुखी की बुआई में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उन्नत प्रभेदों में DRSF 108 90 से 100 दिनों में तैयार होता है और इसकी उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि शंकर प्रभेद SH44 की उत्पादन क्षमता 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आप इसमें से कोई एक प्रभेद लगाएं। ट्रैक्टर चालित बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान पूरी तरह से तैयार खेत में गेहूं सहित अन्य खाद्यान्न फसलों के बीच बोने का काम कर सकते हैं। यह पशु चालित बीज सह खाद ड्रिल के तुलना में 70% मजदूरी की बचत, 25 से 30% संचालन खर्च में बचत तथा 3% उपज में वृद्धि करता है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में रासायनिक दवा के बिना फल छेदक कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। टमाटर फसल के रासायनिक दवा के बिना फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए खेत में 5 गंधपाश यानी 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। फल छेदक कीट इसमें फंस जाएंगे जिससे फल सुरक्षित रहेंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर जमशेदपुर सिमडेगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1,400 रुपये से 1,600 रुपये, बैंगन 3,220 रुपये से 3,700 रुपये, महुआ 2,500 रुपये से 3,000 रुपये, गोभी 2,955 रुपये से 3,500 रुपये, मिर्च 4,000 रुपये से 4,500 रुपये, चावल मोटा 2,200 रुपये से 2,650 रुपये, चावल मध्यम 3,100 रुपये से 3,400 रुपये, चावल उत्तम 3,400 रुपये से 3,600 रुपये, गेहूँ 1,850 रुपये से 2,100 रुपये, दाल अरहर 6,850 रुपये से 7,800 रुपये, दाल मसूर 6,800 रुपये से 7,200 रुपये, दाल चना 7,550 रुपये से 8,500 रुपये, सरसों तेल 9,040 रुपये से 11,000 रुपये, चीनी 4,130 रुपये से 4,300 रुपये, आलू 1,050 रुपये से 1,450 रुपये और प्याज 4,150 रुपये से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आज की हमारी यह जो जानकारी है वो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। गाँव में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गठित स्वयं सहायता समूह किस तरह से काम कर रहे हैं और इससे लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, आइए विशेषज्ञ से जानते हैं। किसान भाइयों, जोहार। आज हम जानेंगे कि स्वयं सहायता समूह क्या है और इससे लाभ क्या है, इसको गठन कैसे किया जाता है, इसकी कार्यविधि क्या है। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रजीत जी। तो सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद। स्वयं सहायता समूह की जब बात होती है जी, तो इसकी गठन की कुछ प्रक्रिया होंगी जी, तो इसका गठन कैसे होता है और इसके कार्य क्या है? सामाजिक तौर पर यदि हम देखते हैं कि सामाजिक तौर पर यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि आर्थिक रूप से मदद लेन देन यह पुरानी परंपरा सदियों से चली आ रही है, क्योंकि सामुदायिक भावना आदिवासी लोगों की मुख्य विशेषता है। इसमें हम पाते हैं कि इनके राजनैतिक आर्थिक सामाजिक पहलुओं के तार कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। आज का युग पैसे का युग आ गया है, इसमें ये लोग पूर्ण रूप से एक दूसरे लोगों की मदद करने से अपनी भावना को दूसरी तरह मानते हैं। आज गांव की 75% जनसंख्या खेती पर आधारित है। खेती में आजकल 5 से 6 महीने तक कार्य मिलता है, इसलिए लोगों को दिक्कतें आ रही हैं कि उन्हें 5-6 महीने के बाद आय का स्रोत क्या होगा, और उनके पास आय के साधन ना होने के कारण वे अपनी ज़मीन और गहनों जेवर को गिरवी रख करके अपना काम चलाते हैं। यदि कोई कार्य बीच में आ जाता है, जैसे पर्व, बीमारी, शादी, किसी की मृत्यु हो जाने के बाद वे अपनी ज़मीन और जेवर को गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बैंक शाखाओं के बृहद नेटवर्क होने के कारण वे किसानों को, महिलाओं को ऋण देने से कतराते हैं, क्योंकि उनके छोटे ऋण की आवश्यकता होती है। उनकी आवश्यकता आर्थिक रूप से उपभोग और उत्पादन दोनों के लिए होता है, इसलिए यह रिस्क बैंक नहीं लेना चाहता है। ये जो आप प्रक्रिया बताएं, ये तो हर गांव में देखा जाता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हमारी हैं वहीं इससे रहती हैं, लिप्त रहती हैं। तो अगर स्वयं सहायता समूह की अगर बात करें तो कितने लोगों का समूह बना करके इस कार्य से मुक्त पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक गांव या मोहल्ले को लेते हैं जिसमें 10 से 20 महिलाओं या यंग का हम चयन करते हैं, उसमें 12 या 15 आदर्श माना जाता है। ये समान स्तर के होने चाहिए और एक मोहल्ला से होना चाहिए, क्योंकि आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इनमें आपसी सहयोग और मतभेद की कमी हो जाती है। ये आपस में अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं।
अगर इसकी फायदे की बात करें, जिस प्रकार से आपने कहा कि 12 से 15 का समूह होना चाहिए जी, तो इस प्रकार के अगर महिलाएं अगर समूह में जुड़ जाती हैं और अगर इसकी फायदे की बात करें तो क्या है, और क्या यह फायदा उनको तत्कालिक मिलता है या पूर्णकालिक मिलता है? हम बताते हैं, ये महिलाएं या पुरुष अपनी छोटी छोटी बचत करके एक आय का वृहद रूप ले लेते हैं और एक कार्य करने के लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है इनकी छोटी छोटी बचत से। जैसे ये समूह में सुकर पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन इत्यादि कार्यों के अलावा ये खेती में अच्छी तरह से कर रही हैं, बागवानी में भी शुरुआत आज महिलाएं हमारी करना शुरू कर दी हैं, और इनमें निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, ये अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं, आगे चल करके इनका कार्य एक बृहद रूप ले लेता है जिससे इनके लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन जीने की कला में परिवर्तन आ जाता है, इनके बच्चे अच्छी सोसाइटी में अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती हैं और एक तरह से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि उनकी स्थिति में सुधार की कैसे होती है, तो इस सुधार के बारे में कुछ प्रकाश डालें। उनका सुधार मैं बताता हूँ आपको, झारखंड में बेसिकली हम रामगढ़ में हैं, रामगढ़ में आदिवासी महिलाएँ अकेले कुछ नहीं करना चाहती हैं, या करती भी हैं तो उनका कुछ इफ़ेक्ट नहीं आता है, लेकिन जब एक समूह में करती हैं तो उसका इफ़ेक्ट आता है, इम्पैक्ट आता है, जो इम्पैक्ट आता है वो पूरी तरह से दिखाई देता है। अभी हम लोगों ने ग्रुप के माध्यम से जोबला में बागवानी पर कार्य किया, क्लस्टर फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन में कार्य किया, महिलाओं का एक बार विश्वास जीतने के बाद वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ती चली जाती हैं और अपने कार्य को पूर्ण रूप से अपना से करना शुरू कर देती है। अच्छा रोजगार पा रही है, मुर्गी पालन कर रही है, बकरी पालन कर रही है, इनके लिए ऋण मुहैया उनको आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर उनकी स्थिति की बात करें, खासकर इस क्षेत्र की बात करें, झारखंड की तो बात हम करते ही हैं, खासकर मांडू क्षेत्र, हजारीबाग, रामगढ़ की बात करें, तो यहाँ क्या उपलब्धि पाई गई है उन लोगों के बीच में? वास्तव में आपने सही पूछा कि यहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से आदिवासी महिलाएँ बहुत पिछड़ी हुई हैं, लेकिन ये स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद ये आगे जा रही हैं और ये हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। जैसे इनका बैंकों में जमा निकासी और अपना स्वयं सहायता में जमा निकासी के फलस्वरूप ये अपने पैसे का उपयोग एक बड़े बड़े कार्य में कर रही हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि आप उनको बताया हमने, खेती के कार्यों में, फसलों की बुआई कटाई, उसमें दवा का छिड़काव इत्यादि के बारे में सब जान रही हैं और इनको इससे प्रशिक्षण लेने का, जगह जगह पर जाने का अवसर मिलता है, क्योंकि एक अकेली महिला कहीं अकेले नहीं जा सकती, समूह का यह बहुत बड़ा फायदा है। अगर बात करें आप लोगों का योगदान का, तो वह क्या हो रहा है? हमारा योगदान है उनको तकनीकी रूप से प्रशिक्षण देना कि खेती कैसे की जाए, बागवानी को कैसे लगाया जाए, यदि हमने फसल लगा दिया तो उसका कैसे देख रेख किया जाए, किन समय पर कौन सी दवा डाला जाए, कब कटाई किया जाए, कैसे भंडारण किया जाए, आज सब हमारे कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ द्वारा महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपसे जुड़ती हैं तो उनकी दशा और दिशा में बदलाव होता है, यह तो जग रहेगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जोहार। किसान भाइयों, आज का हमारा यह कार्यक्रम खासकर उन किसान भाइयों के लिए है जो सुकर पालन कर रहे हैं। किसान भाइयों, चपका और खुरहा रोग सुगरों के लिए घातक हैं, ऐसे में इससे बचाव के क्या उपाय हैं, आइए विशेषज्ञ से जानते हैं। नमस्कार, जोहार, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अपने कार्यक्रम में आपको कई बातों की जानकारी देते हैं और आज इसी क्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि सुगरों में खुरहा और चपका रोग जो होता है वो क्यों होता है और उससे क्या बचाव कर सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी हाँ, धन्यवाद। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि सुकरों में जो खुरहा और चपका रोग हो जाता है वो क्यों होता है, सबसे पहले तो ये हमारे किसान भाइयों को जो पशुपालक हैं उनको बताएं। खुरहा चपका एक विषाणुजनित रोग है और ये वैसे पशु में होता है जिसका दो खुर जो है दो भाग में बटा होता है, जिसको इवेंट टोड कहते हैं। तो जैसे गाय हो गया, बकरी है, भेड़ है, सुकर है, इन सब पशुओं में एक खुरहा जो बीमारी है काफ़ी
होता है और ये बीमारी खास करके ठंड के मौसम में देखा जाता है कि ये ज़्यादा होता है और ये बीमारी काफ़ी खतरनाक कह सकते हैं क्योंकि विषाणु जनित रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है और इस बीमारी का सीधा असर इसकी पशुओं के उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। चाहे जो भी पशु हो उसको उत्पादन क्षमता में भारी कमी आती है और हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान। सर जैसे अभी आप कह रहे थे कि जो उनके दो खूर के दो भाग हैं उसमें और इसके जो है कोई उपाय भी नहीं है जो कि बाद में इसको कहें कि दवा भी नहीं है, तो अगर हम शुरुआती दौर की बात करें और चूंकि ये सारे जो शरीर के अंग हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो क्या फर्श की भी इसमें सहभागिता होती है कि अगर फर्श गंदा है तो उससे भी होगा? हो सकता है, संभावनाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब हम खुरहा की बात करते हैं तो चूंकि ये विषाणु जनित रोग है और इसके फैलने की यदि बात करते हैं तो गंदगी इसका एक सोर्स है कि गंदगी से फैल सकती है, लेकिन मुख्य रूप से ये फैलता है जो बीमार पशु हैं उससे स्वस्थ पशुओं में फैलता है। अगर कोई बीमार पशु आपके फार्म में आ गया स्वस्थ पशुओं के साथ मिल रहा है चरने के क्रम में तो फैल सकता है, सांस से फैल सकता है, बीमार पशु के सांस जब ले रहे हैं तो उससे विषाणु निकलता है और खान पान से फैलता है। आपका जो भी बीमार पशु है अगर वो चर रहा है कहीं पे फील्ड में, वहाँ पे स्वस्थ पशु जाकर चर रहे हैं तो उससे ये फैलने की संभावना होती है। जो भी आदमी है, जो वर्कर हैं, जो बीमार पशु के को छू करके आते हैं फिर स्वस्थ पशुओं के संपर्क में आते हैं तो ये बीमारी फैलती है, तो इस तरह से ये बीमारियाँ फैलती है। इसके अलावा अगर वैसे फार्म जहाँ साफ़ सफाई की कमी हो तो वहाँ फैलने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि पशु उस समय स्ट्रेस में रहते हैं और गंदगी के कारण जो है विषाणु जो है वहाँ पर पनप सकता है और रह सकता है और इस तरह से जो है कि बीमारियाँ उस समय ज़्यादा होने की संभावना होती है। सर ये आपने काफ़ी अच्छे ढंग से बताया कि इसके प्रसार के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा पशु जो है इससे प्रभावित है, संक्रमित है, तो जो हमारे पशुपालक हैं वो क्या कुछ लक्षण उभर के आते हैं पशुओं में जिसको देख के वो पहचान सके कि उनके पशुओं में यह बीमारी है? जी हाँ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खुरहा और चपका या मुँहपका भी इसको बोलते हैं, खुरहा मुँहपका, तो इसमें से मुख्य रूप से देखा जाता है कि इसमें पैर में और मुँह में इसमें घाव होते हैं और पैर में देखेंगे जैसे ही ये बीमारी चूँकि जब इन्फेक्शन शुरू होता है तो 2 से 10 दिन के अंदर इसमें बीमारी के लक्षण जो है पशुओं में शुरू हो जाते हैं और ये बीमारी का लक्षण में पैर में जो है घाव शुरू हो जाता है, पैर में मुंह में छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। पैर में घाव होने से कभी कभी जो पूरा हूफ है, जो पैर का खुर है, वो कभी कभी पूरा बाहर निकल जाता है और मुँह में छाले पड़ जाते हैं, मुँह में खास करके तालू में, जीभ में और गौवंशीय पशु में आप देखेंगे टीट्स में जहाँ पे दूध पिलाने का होता है वहाँ भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। मुंह में छाले पड़ने के कारण क्या होता है, जीभ में छाले पड़ने के कारण जब ये छाले जब फफोले टाइप के हो जाते हैं और जब ये फूटते हैं तो काफ़ी ये दर्द देता है, असहनीय दर्द देता है पशुओं को, जिसके कारण पशु जो है खाना पीना बंद कर देते हैं और खाना पीना बंद करने के कारण जो है कि वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और दूसरा इन्फेक्शन उनको हो जाता है। जैसे पैर में घाव हो गया तो उसमें देखते हैं कि पैर में घाव हो गया, अगर ठीक से उसकी देखभाल नहीं कर पाए तो वह मक्खियाँ अंडे देती है, मैगोट हो जाता है, तो इस तरह से उस बीमारी से जो है कि पशु नहीं मरते लेकिन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं उस बीमारी के कारण जो है पशु कमज़ोर हो जाते हैं, दूसरे जो जीवाणु विषाणु जो आक्रमण करते हैं उसके कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। और इस बीमारी से अगर कहें कि डायरेक्ट जो मृत्यु होती है वो मुख्य रूप से बच्चों में, वही 5 से 10% बच्चों में, छोटे बच्चों में इसमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है, बड़ों में इसमें मृत्यु नहीं है तो, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता में काफ़ी जो है इसका प्रभाव होता है, जैसे कि बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, जो गर्भवती पशु हैं इसमें गर्भपात हो जाता है, दूध उत्पादन की क्षमता में कमी हो जाती है, इस तरह से जो भी इसका जो उत्पादन क्षमता है उसमें मुख्य रूप से काफ़ी इसमें दबाव होता है और काफ़ी उत्पादन क्षमता में कमी आती है और सीधा किसानों को इससे हानि होती है, नुकसान होता है। जी चूँकि अब चूँकि खुर और मुंह में ही ये समस्या हो गई है तो भोजन और चलने दोनों में दिक्कत, और आपने शुरुआती समय में बताया कि इसका इलाज नहीं है, तो अगर इलाज नहीं है तो इसका कुछ बचाव भी होगा? जी हाँ बिल्कुल, इसका बचाव है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस तरह की बीमारी ज़्यादातर किस सीजन में आता है तो इसका बचाव हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, इसमें टीकाकरण कर सकते हैं। FMD टीका बाज़ार में उपलब्ध है सुकरों के लिए या फिर किसी भी पशु के लिए जिसमें होता है उसमें ये टीका दे सकते हैं और ये 2 से 3 ml ये मात्रा टीका का जो है कि हम पशुओं में देते हैं, चमड़े में या मांस में दे सकते हैं और हर 6 महीने में इसका टीकाकरण करना है। जैसे सुकरों की बात करते हैं तो प्रथम टीकाकरण 2 माह की उम्र में करेंगे, इसके बाद हर 6 महीने में स्वाइन फीवर का टीका अगर आप देते हैं तो इस बीमारी की होने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है, तो इस तरह से हम उसका बचाव कर सकते हैं। दूसरा है कि लक्षण जो आ रहे हैं तो लक्षण के अनुसार पे हमको इलाज करना है पशुओं का, छोड़ना नहीं है कि बीमार हो गया इसका इलाज नहीं है तो हम बिल्कुल उसको मरने के लिए छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है।
तो जो भी लक्षण आते हैं उसी तरह से उसका इलाज, जैसे पैर में घाव हो गया तो घाव की साफ़ सफाई करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, उसका ड्रेसिंग करना है, पोटासियम परमैंगनेट का घोल या सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल 2-4% घोल से हम उसकी सफाई करते हैं। तो खास करके जैसे मुंह में छाला पड़ गया तो मुख्य रूप से देखा जाता है कि पशु खाना पीना बंद कर देते हैं, तो खास करके अगर आप उस समय चारा देंगे, हरा चारा देंगे या पुआल देंगे तो बिल्कुल नहीं खाएगा, क्योंकि काफ़ी दर्दनाक दर्द होता है उसमें। तो इसमें आप कोशिश करें कि लिक्विड डाइट दें, वैसा खाना दें जैसे मकई है उसको थोड़ा पका करके घोल बनाकर उसको दें कि उसको चबाना नहीं पड़े, वो पशु उसको खा जाए, और कड़ा चीज़ ना दें खाने के लिए, पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा दें, उसके साथ में विटामिन्स और मिनरल्स जो है आप पानी में भी मिला कर दे सकते हैं, खाना में उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि पोषक तत्वों की कमी से जो समस्याएं होती है, खाना कम कर रहा है जिसके कारण पोषक तत्व की कमी हो जाती है उसके शरीर में, इससे होने वाली समस्या जो है वो उत्पन्न ना हो, इसके लिए जो है कि इसका भी ध्यान रखना जरूरी है कि ज़रूरी पोषक तत्व उसको मिल सकता है। और इस तरह से जो है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो मैं बताया कि इससे मृत्यु दर बढ़ जाती है, ग्रसित हो जाती है, इससे बचाव के लिए डॉक्टर की सलाह लेकर के आप एंटीबायोटिक का उपयोग करके इससे उसका बचाव कर सकते हैं। सर, आपने काफ़ी अच्छे ढंग से हमारे किसान भाई को बताया कि खुरहा और चपका से किस तरह से बच सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि टीकाकरण ज़रूर करें। लेकिन अगर जानवरों में इन्फेक्शन हो गया है और अगर बड़ा उनके पास में झुंड है, बड़े जानवर हैं, काफ़ी संख्या में हैं, तो क्या उसको अलग करना भी ज़रूरी हो जाता है कि उसको अलग करके रखा जाए? हाँ बिल्कुल, बचाव का एक ये भी है कि जो भी बीमार पशु हैं उसको जल्द से जल्द अलग कर दें, ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है कि आप जो है कि बायोसिक्योरिटी जो फार्म में कहते हैं कि ये जो है कि किसी को भी अलाउ नहीं करें फार्म में पशुओं के पास, किसी को अनजान पशु को या किसी दूसरे व्यक्ति को जाने ना दें जिससे बीमारी फैलती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको लक्षण दिख रहा है किसी पशु में, मुख्य रूप से देखा जाता है इसमें लक्षण में कि ये मुँह में जैसे घाव हो जाता है तो लार गिरने लगता है, ड्रूलिंग जो कहते हैं ड्रूलिंग सलाइवा, एक रेसा जैसा उसका सलाइवा आने लगता है, तो उस तरह का यदि लक्षण आ रहा है पशु में, और शुरू में जब ये लक्षण आएगा, शुरू में जब लक्षण आता है उसमें बुखार भी होता है पशु में, भी ध्यान देना चाहिए, बुखार जैसे ही होगा खाना पीना कम कर देगा, तो इस तरह के जो लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत उस बीमार पशु को अलग कर दें, स्वस्थ पशु को उससे संपर्क में ना आने दें, उस जिस पशु जिस कमरे में पशु रह रहे हैं उस कमरे की अच्छी तरह से फिनाइल से वगैरह से वहाँ पर साफ़ सफाई करें, और उसका प्रबंधन भी बिल्कुल अलग कर दें, पहले स्वस्थ पशु को दाना पानी दें, लास्ट में उसको दें, ताकि वहाँ से जो है बीमारी जो विषाणु वगैरह जो है स्वस्थ पशु में ना आए, और इस तरह से करके उसका उचित इलाज करें। यानी जो चारा देने वाले व्यक्ति है वो भी अंत में पहुंचे बीमार जानवर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह से हम लोग उसमें ध्यान कर सकते हैं, और कोशिश करें कि इस तरह के पशुओं को कल्ड कर दें, क्योंकि ये भविष्य में भी इस तरह के पशु बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं हो सकते हैं, इनकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा जो पहले जैसा है उस तरह से नहीं आ पाता, इसलिए आप कोशिश करें कि इस तरह के पशुओं को हटा दें, कल्ड कर दें, तभी आप जो है कि फार्म की स्थिति जो है वो ठीक होगी, आपका जो नुकसान हो रहा है उससे आप बच सकते हैं। तो किसान भाई, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको काफ़ी विस्तार से और अच्छे ढंग से बताया कि जो सूकरों में खुरहा और मुंह पका यानी कि चपका रोग होता है उसके क्या उपाय कर सकते हैं आप बचाने के लिए। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इन्हें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, वक्त हो चला है यहाँ विदा लेने का। अगर आपके पास कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं या फिर कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं तो हमें पत्र अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।